असलम नाजीन प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुताहिर जलील खान नाजीन आज सबसे पहले बात होगी उन तमाम चीज़ों की जिसके ऊपर के ट्वेंटी वन न्यूज़ बार बार खबर नशर करता है उस चीज़ की निशानदेही करता है और यकीनी तौर पर उस पर काम भी होता है इसी तरह एक कराची से खबर अहम खबर जो कि काफी अरसे से चलती आ रही है न सिर्फ एक दो साल की मैं बात करूंगा बल्कि ये वाकया पंद्रह से बीस साल भी हो चुके हैं इस चीज को चलते हुए कोई नोट डाउन नहीं करवा रहा था केर वन न्यूज ने इस पे खबर निकी के न्यूज की जानब से एक प्रोग्राम भी किया गया है टीम कराची की आवाज की जानेब से और आज इस पर एक और स्पेशल प्रोग्राम किया जा रहा है क्योंकि इस चीज को काफी हाईलाइट किया जा रहा है एक ऐसा मसला जिस पर ना सिर्फ कब्जा अगर हम लफ्ज इस्तेमाल करें तो वो भी गलत नहीं होगा कब्जा किया जाता है लोगों को अलॉट किया जाता है एक ऐसा प्लॉट जिस पर दस दस लोगों को अलॉटमेंट दे दी जाती है मगर जब एक बंदा पहुंचता है पता लगता है कि दूसरे के नाम पर पेपर है दूसरा पहुंचता है तो उसे कहते हैं कि आपके पेपर इलीगल है ये तमाम जो चीजें हैं किसके जेरे साया चल रही है किसकी जेर सरपरस्ती चल रही है इस हवाले से वे पॉइंट सामने उठते हुए नजर आ रहे हैं इस पर जो इलाका एम पी है वो भी तमाम काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कौन इसको चला रहा है कौन इसकी सरपरस्ती कर रहा है और ये तमाम मामला है क्या इस पर भी बात करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सबसे पहले अरसलान ताज साहब हैं इलाका एम पी ए है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आपका ताल्लुक है आपको खुश आमदीद कहते हैं इन्हीं के साथ तशरीफ फरमाए कामरान जहरी जो कि ब्यूरो चीफ के ट्वेंटी हमारे साथ मौजूद है कामरन साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला सबसे पहले मैं कामरान आपकी तरफ आऊंगा जो तमाम सिचुएशन है तमाम सूरत हाल है है कौन क्या कर रहा है, किस तरह से तमाम काम उठा है कितने अरसे से चल रहा है पहले इस सवाल से थोड़ी हाईलाइट कीजिएगा इस चीज को फिर मैं अरसलान दास साहब की तरफ आऊंगा अरसलाउंगा बसमान मुताहिर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया और मेरे इस चैनल का जो हकीकी तौर पे हर दफा आवाम की और कराची की खसूस आवाज बनकर सामने आया और उसी की एक मिसाल सबसे पहले ये जो एक मामला गुजत कई बरसों से चल होता चला आ रहा है जिसमें बहुत सी कॉपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर होने वाली मुबैना धांधली कह लें या मुबैना करप्शन कह लें या अजारा दारी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें उसी का एक ये कड़ी है पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉज़ कोऑप्रेटिव हाउसिंग सोसाइटी इलाका एम पी ए की तरफ से गुज्त दिनों खुली कचहरी का इनका किया गया इलाका एम पी ए और हमारे खूस चैनल पर बहुत से मुतान दूसरी अदर सोसाइटीज़ के भी अपना दुख दर्द दाद रसी के लिए आ रहे हैं अपनी चीज़ें लेकर आए और उन उन्होंने आ, बिल्कुल वाज तौर पर हमसे गुजारिशात करी अपने इलाका एम पी ए से करी कि खुदारा कोई हमारा हाल करें हमने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटा दी है एक फ्रॉड एक नाम नेहत फ्रॉड के उसके ऊपर हमने अपनी तमाम जमा पूंजी जो हमने जमा करी एक मकान की ख्वाहिश के लिए एक प्लाट के लिए कोई अब्दुल खालिक फ़ारूकी साहब जैसे या हिलाल सोसाइटी में दूसरे नूरसभा या वर्क और सोसाइटी के अंदर जैसे लोग हैं वो हमारी चीज़ों पर हमें ही बेचकर हमसे ही पैसे लेकर और हमें ही उसको काम करने नहीं दे रहे तो उस पर एक खुली कचहरी का निकाह हुआ और हमने देखा माजी में और हाल में फ़र्स्ट टाइम किसी भी इलाका एम किसी भी जमात की तरफ से खुली कचहरी का इनका जहाँ एक मुतल एम पी ए ने आवाम को फेस किया उनकी दाद रसी करी उनके मसाइल सुने का किया, उनके या कराची में पहली दफा ने देखा, हो सकता है मासी में कोई रहा हो या अभी भी कोई कर रहा हो तो हमारी अभी उसमें नॉलेज में नहीं है जब आएगा हम उसको भी इनको हाईलाइट करेंगे इश्यू ये नहीं है अपना मुताहिर बात यह है कि अवाम ने जबरदस्ती तौर पर थक थक के इदारों में एंटी करप्शन में नैब में सोसाइटी रजिस्ट्रार कोपरेटिव के अंदर या ये मुतल जो चेयरमैन साहब हैं कोपरेटिव सोसाइटी रेलवे के उनके पास जब थक गए उनके पास कोई पुरस् हाल नहीं हुआ एफ आई आरें कटवाईं उल्टा उनके अब वो अब मेरी बात समझें मसला क्या है एक शख्स पैसों में चीज खरीद रहे अपनी जमा पूंजी लगा रहे बहुत से लोग पुराने रेलवे के एम्प्लॉज हैं उनकी हमेशा से एक प्लॉट है वो भी बनाने जाता है तो उस पर कोई और या तो देखता है कि इस या तो अब भी मैं आपको एक गुलशन जमाल की मिसाल दूं एक साहब आउट ऑफ द कंट्री थे कुछ सालों बाद आए फर्श लाठी की फाइल है वहां पर ग्राउंड प्लस थ्री घर बना हुआ ये मामला लेकर जब वो थाने में जा रहे हैं थाने में सुनवाई नहीं है मुतल का में जा रहे हैं वहां कोई नहीं है चेयरमैन साहब जैसे लोगों से मालूम कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं देते तो इसलिए उन्होंने एक हमारे चैनल का और दूसरा इलाका एम को अप्रोच करी उनसे रिक्वेस्ट करी और हमने खुद देखा लीडिंग ऑफ द तो फ्रंट पे आके ने उनको उनको फौरी तौर पर जो है ना उनको यकीन दहानी कराई उनसे खिताब करा उनसे बात रखी अब उस बारे में क्या बात है क्या पेश रफ्त है वो आपको असलान ताज साहब खुद बताएंगे साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा पाकिस्तान रेलवे हाउसिंग सोसाइटी नाम आया काफी अरसे से कायम है लोग वहां पर रह भी रहे हैं मगर जो अब जो मामला सामने आ रहे हैं उसमें ये चीजें काफी उठी हैं कि ना सिर्फ एक दो साल की बात नहीं बल्कि साल वहां पे ऐसे आए जिन्होंने कहा कि मैंने 2005 में भी कुछ वहां प्लॉट खरीदा अब जाके देख रहा हूं था, वहां दस लोग उस प्लॉट पे अलॉटीज हो चुके हैं किस तरह से मामला चल रहे हैं इसमें सबसे पहले रोशनी डाली का क्या है कौन है इस इस तमाम काम में मुलाविस और इसके हवाले से क्या कार्रवाई एक्सपेक्ट की जा रही है आवाम किस तरह से आपकी तरफ देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया एक अहम मौजू पे आपने मुझे मदू किया दरअसल इससे पहले कि हम इस डिटेल में जाएं पहले हमें समझना हो होगा कि ये है क्या मामला क्या सथारीग. है आ, मामला ये है कि कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज कराची में कई सौ इस वक्त मौजूद हैं। कुछ रजिस्टर्ड जो हालिया बरसों में हुई है कुछ बहुत पुरानी बनी हुई है कुछ बहुत कई सालों पुरानी तक बनी है अच्छा ये हाउसिंग सोसाइटीज हैं क्या ये कॉपरेटिव एक्ट दो का एक एक्ट था उसके तहत ये सोसाइटीज़ बनाई गई थी और ये इस तरह होता है कि हुकूमत क्योंकि हाउसिंग स्कीम्स बना के आ, इसकी डेवलपमेंट नहीं कर सकती तो आ, कई आ, मतलब गुना कम पैसों में एक बड़ी लैंड दे दी जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को जिसको वो ख़ुद से डेवलप करते हैं उसके खुद से फिर जो है उसकी देखभाल करते हैं तो ये मकसद होता था कोप्रेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का हुआ ये क्योंकि बड़े कम पैसों में वो ज़मीन मिलती थी और उस पर डेवलपमेंट करने के बाद फिर सोसाइटी बनती थी जिन्होंने सोसाइटीज़ ली जो मुख्त रकम थी इनिशियली उससे कई लाखों जा, गुना मतलब कई लाख की मलकियत से ज़्यादा में उनको फ़रोग किया जाने लगा अच्छा एक बड़ा नाम है करप्शन के हवाले से निसार मुरई का नाम आपने सुना बिल्कुल, होगा बिल्कुल अच्छा वो फिशरमैन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी चलाते बेल्कुर, थे बेल्कुर, बेल्कुर। इसी तरह बेशुमार और भी सोसाइटीज़ हैं और हर सोसाइटी में अगर आप कानून पढ़े तो कानून वाजह है कि जी हर साल ऑडिट होगा हर साल इलेक्शन होगा उसका मेंटेनेंस वर्क जो है वो सोसाइटी ने देखना है एक मैनेजमेंट कमेटी होगी इस तरह उसकी सारे मम्बर मेंबर्स जो हैं वो लिस्टेड होंगे उनका एक दफ्तर होगा दफ्तर में कोई भी जाके किसी भी वक्त जाके अपनी मालूम दफ्तरी अवकात में जाके ले सकता है हुआ है कराची से हट के दीगर सिंध में हमें असम्बली फोरम में ये यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट मेरे खास में ऑडिट रिपोर्ट है दो हज़ार सोलह की या सत्रह की उसमें दर्ज है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ऑडिट हुआ उसमें ये बताया गया कराची से अलावा जितने ज़िले हैं उसमें तकरीबन वन एट्टी सिक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हैं जिसमें से वन एट्टी टू का कभी ऑडिट ही नहीं हुआ ये बड़ी क्वांटिटी है ये कभी ऑडिट ही हुआ ही नहीं है कभी उनके ऑडिट रिपोर्ट में ये ऑडिटेड जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में दर्ज है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है 2009 से लेके 2013 तक इस दौरान 623 केसेस उस वक्त आर्बिट्रेशन कमिटीज होती थी जो सोसाइटीज के uh, मामले जो होते हैं उसके अंदर कोई भी अगर बेजायतेगी होती है उसमें उस वक्त वो देखते थे सिक्स ट्वेंटी थ्री इन नौ हजार नौ से लेकर दो हजार तेरह तक चार सालों में सिक्स ट्वेंटी थ्री केसेस उसमें दर्ज कराए गए कितने सॉल्व हुए किसी को नहीं किसी को नहीं पता इस साल एक नया कानून एफ एट एफ की वजह से बहुत सारे कानून चेंज हुए हैं नए मुतारद किए गए हैं कुछ उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं तो एक और नया कानून पार्लियामेंट ऑफ़ पाकिस्तान ने भी पास किया फिर उसको देखा देखी सिंध क्योंकि ये uh, सूबाई सब्जेक्ट है तो सिंध असम्बली ने भी सितंबर 28, 2020 में कानून पास किया और उस कानून में बहुत सारी चीज़ें uh, दर्ज हैं एक तो जैसे मैंने बताया कि ऑडिट होना इलेक्शन होना मेंटेनेंस, बाकी सारी चीज़ें लेकिन एक और चीज़ है कि कोपरेटिव्स के हवाले से स्पेशल कोर्ट्स का क्याम स्पेशल कोर्ट्स बनेंगी, जिस तरह कंज्यूमर कोर्ट्स कंज्यूमर राइट्स कोर्ट्स बनेंगे स्पेशल कोर्ट्स फॉर कोपरेटिव ये बनाई जाएंगी और उस कानून के इतलाक़ के एक महीने के अंदर उन्होंने बनाना था इस वक्त तक उन कोर्ट्स का क्याम नहीं हुआ अब होता यह है कि अगर जैसे कामरान बता रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे एक ओरिजिनल अलॉटी है जिसके नाम पर अलॉटमेंट हुई है उस प्लॉट की होता यह है कि अगर वो दुनिया से चला जाता है तो सोसाइटी वाले बड़े तेज़ होते हैं इनके पास बड़ी इंटेलिजेंस इनकी बड़ी तेज़ होती है ये क्या करते हैं जैसे ही वो बंदा लमिया को प्यारा होता है वो बैक डेट में उसकी ट्रांसफ़र आपके नाम की करा के या एक फ्रेश फ्रेश फाइल बना के आपके नाम की वो सामने ले आते हैं और वो फाइल फिर वेरिफिकेशन में जाती है सोसाइटी उसको वेरीफाई करा देती है सिर्फ आपके लिए लिमिटेड टाइम ऑफर स्पेशल आपके लिए उसको वेरीफाई करा दिया अब आपने ये फाइल इनको भेज दी जब ये घूम के आएंगे तो इनकी फाइल वेरीफाई नहीं, नहीं, नहीं है तो फंस कौन गया ये साहब आप पैसे लेके साइड पे

मनी लॉन्ड्रिंग को आपने कंट्रोल करना है तो उनकी फाइंडिंग ये थी कि कोपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, उनके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल होता है, और जितना भी ब्लैक मनी है वो इन सोसाइटीज के जरिए राउट होके फिर वाइट होता है ये तो सारे काम अब तो ये, इसके ऊपर कानून साजी इसीलिए लाई गई कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी सोसाइटीज में एक और बड़ी अहम चीज़ उन्होंने बोला कि के अंदर जो है वो का पैसा भी मतलब संगीन एक बड़ा मौजू है जिसको फरामोश किया गया कई सालों तक कई दहाइयों तक और हमारा खुली कचहरी लगाने का मकसद क्या था हम जब से मैं एमपीए बना दो साल ढाई साल हो गए हमें हम ये देखते थे कि सबसे ज्यादा आ, हम मुझसे सवाल होता है कि सबसे बड़ा मसला क्या है आप एम पी बने बताएं क्या मसला आपको लगता है तो शायद लोग एक्सपेक्ट करते थे कि जी गली नाला कचरा ये वो अच्छा मेरी राय डिफरेंट थी अच्छा क्योंकि एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है ना आपके पास एक होता है आम तासर तो आम तासर की जी गली ये वो अच्छा मेरी मेरे ओपिनियन ये है कि लैंड लैंड सबसे बड़ा इशू है इस कराची शहर में पूरे पाकिस्तान में बल्कि उसकी वजह यह है सबसे ज़रूरी यही है एक शख्स जिसके पास छत नहीं है वो पूरी जिंदगी जमा कर कर के पैसे महीने में अपनी सैलरी के पैसे बचा बचा के महीने का जो आमदनी होती है उससे बचा बचा के एक प्लॉट लेता है वो प्लॉट लेता है उसके पास पैसे नहीं होते कि वो फॉरन प्लॉट को तामीर कर सके वो इंतजार करता है वो प्लॉट अपने बच्चे को दे जाता है उसका फिर बेटा बड़ा होता है फिर वो बनाना शुरू करता है ये मतलब नस्ल अगली नस्ल तक ट्रांसफर हो दर है चल रहा है ख्वाब है किस घर पे छत हो सर पे छत हो एक घर हो बच्चों के लिए मैं एक प्लॉट तो नाम करके चला जाऊं दुनिया से जाऊं कोई बच्चों को, को, को देकर जाऊं कुछ बच्चे बच्चे के, के हवाले कुछ करके जाऊं हुकूमत का काम छत नहीं मैं कह रहा हूं कि मसला कितना बड़ा है कि लोगों के घर सर पे छत नहीं होती और क्या होता जब उसका प्लॉट आ जाता है पता चलता है यहाँ पे किसी इस पे तो किसी का कब्जा है यहाँ पर फाइल गलत है या जाली फाइल बनी है डुप्लीकेट फाइल है तो मैं यही ये इतना रहा बड़ा... किसका काम है अगर किसी की छत से कोई खिलवाड़ कर रहा है इस केस में जो भी आपने जो मुद्दा उठाया है और जो खुली कचहरी लगाई पे भी लगा, और भी होगी इनशाला हम यही उम्मीद करते हैं इस पे जो छत से खिलवाड़ कर रहा है कौन है वो शख्सियत आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं देखे एक तो हमारे मुल्क में जो निजाम है एक्चुअली वो तकरीबन बोसीधा तर हो चुका है यहाँ पे कवानी तमाम बने हुए हैं उनका इतलाक नहीं हो पा रहा तो उनकी मालूम भी नहीं है, है। कोई नहीं नहीं कर रहा। अच्छा उसका इंफॉर्मेशन भी नहीं है हमारा खुली कचहरी लगाने का आ, मकसद एक ये भी था कि लोगों को जो कानून पास हुआ है उसके हवाले से उनके जो राइट्स हैं उनका मालूम, उनका मालूम है लोगों को पता हो कि कानून पास हुआ है तो उसके अंदर है क्या उनके क्या क्या हकूक हैं

हमारे पास ये सिर्फ नहीं, नहीं ये सिर्फ खुली कचहरी के लिए कम्पलेन आती हैं हैं सिर्फ खुली में हमारे पास डेली बेस पे आती कि जी आज चलता है किसी के प्लॉट पे कब्जा हो गया आज पता चलता है जी किसी ने जाली फाइल बना के किसी को जाली फाइल भेज दी तो रोजमर्रा का मैं कहूँ मुझे मैं आपको कह रहा हूँ मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला नहीं हो सकता

और इसी की वजह से असल में रूट कॉज पे बात आ रहा हूँ ये तो जब अब तक आप रूट कॉज को आप आ, करेक्ट नहीं करेंगे ना ये मामला चलते रहेंगे रूट कॉज ये है कि हमारा लैंड रिकॉर्ड जो है ना वो सही तरह से मुरतब नहीं है आप किसी मुख्तियार के पास चले जाते हैं वो थोड़ा ले दे के उससे काम करवा लेते हैं कभी किसी से काम करा लेते हैं हमारे ट्रांसपेरेंसी इस रिकॉर्ड में नहीं है ठीक है मैं, मैं साहब आपकी तरफ आऊंगा इसके बाद मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा कामरा साहब क्या सूरत हाल सामने आई मैंने अभी इस तरह से साथ साथ से कर रहा था, था सवाल कि, कि कितने कंप्लेनेंट हैं जो वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने अपनी जो शिकायत है वो सामने रखी क्या आपने एबजॉर्ब किया वहाँ पर कि जिस प्रोजेक्ट सेवन के अंदर इन्होंने खुली कचहरी का इनका किया बेसिकली वो पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉज है मेरे भाई दोस्त ने मेरे से ये हमारे सामने ये बैठ के बात करी कि अलमिया ये है कि यहाँ पर कराची सिंध के अंदर लैंड यूटिलाइजेशन जो भी है वो कंप्यूटराइज नहीं भाई। है भाई। तो क्या सर पाकिस्तान में हर जगह यूटिलाइजेशन का ये अमल लैंड रिकॉर्डिंग है कराची की हर सोसाइटी करप्ट है जहाँ पर ये अगर ये खातेदारियाँ हैं कुछ सोसाइटियाँ अच्छी मेरा ये कहने का मकसद समझे मुताहिर करप्शन सिर्फ वहीं होगी भले से कंप्यूटर ला रख दो भले से कितने भी लोग अच्छे लाके रख दो करप्शन उसी सोसाइटी में होगी जहां पर बेदयानतदार लोग लालची लोग लालची मैनेजमेंट और आवाम के पैसे को खाने वाले उनका उनको जब ये इल्म हो ना अच्छा कौन करता है करप्शन कौन करता है दिकी जिसको पकड़ने की, की, की जिसको यकीन होता है कि मेरे कॉलर पे शिकंजे पे कोई हाथ नहीं डाल सकता ठीक है कौन है वो शख्सियत कामरान साहब मैं इसी के बाद अरसलान साहब से शुरू करूंगा एक ब्रेक की तरफ जा रहा है ब्रेक के बाद बात करेंगे और ये जानेंगी कोई कौन है वो शख्सियत जिसकी वजह से इतने लोग अपनी छतों से महरूम होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाई और मगर उनके हाथ में आया कुछ भी नहीं कौन है वो शख्सियत जिसपे बात करेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा